I'm in Kalkaji right now at a BJP stall right now, and let's find out what do these people think about reports of very low turnout today. Sir, aaj khabar aa rahi hai ki bahut kam log aa rahe hain vote karne, to aapko lagta hai ki bahut kam log nikal rahe hain? Madam, aisa kuch nahi hai, yahan pe takriban 40% voting ho chuki hai aur maximum BJP ke paksh mein voting ho rahi hai. Hindu ko lekar Modi ji ne jo kaam kiye hain, Ram Mandir ka 370 15A jo hatai hai, देश के लिए काम कर रहा है मोदी. हिंदुस्तान को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए सारी जनता मोदी जी के साथ है. अच्छा, तो आपको लग रहा है कि किसी पार्टी का कम हो रहा है, किसी पार्टी का ज़्यादा हो रहा है? आपको लग रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा हो रहा है? हम तो देखो बीजेपी का ही ज़्यादा बताएंगे, बीजेपी का ही ज़्यादा काउंटर पर हो रहा है, कांग्रेस तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही. और आप थोड़ा बहुत चल रहा है. Thank you, sir. So let's now move on to some of the other stalls and see what these people think. Hello, sir. आप कांग्रेस के स्टॉल में हो अभी? जी. आप कितने बजे से हो यहाँ पे? मैं सुबह 7 बजे से यहाँ हूँ जी. ठीक है, 7 बजे से. और, जी. और खबर आ रही है कि आज बहुत लो टर्नआउट हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि लो हो रहा है टर्नआउट? जी, कारण इसका ये है कि 4 दिन की छुट्टी होने के कारण से दिल्ली से लोग काफ़ी अपना घूमने फिरने के लिए बच्चों के साथ प्रोग्राम बना के जा चुके हैं. अच्छा. बट हमारा कांग्रेस का जो वोट है वो हमारा बिल्कुल वही खड़ा है जी. तो कुछ कम ज़्यादा नहीं हो? बिल्कुल नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली कहीं बात नहीं है जी. हमारे माननीय श्री सुभाष चोपड़ा जी पिछली बार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है. कालका का बच्चा बच्चा उनको पहचानता है. हाँ. उनके नाम से सुभाष जी तो नहीं खड़े हो तो कोई बात नहीं, उनकी बेटी खड़ी है तो लोग उनकी बेटी में उनके चोपड़ा जी की छवि देखते हैं. हाँ. जी, जो चोपड़ा जी ने कालका जी के विकास के लिए जो काम किया है वो कोई भूल नहीं सकता, इसका बहुत बड़ा एक वो प्लस पॉइंट है हमारे जी. So people here are saying that maybe turnout is low, but not for their specific party. This is Kalkaji here right now, and this person is saying that Congress, even though the MLA, the three-time MLA himself, Subhash ji, is not standing, his daughter is standing, and they're saying that, well, it's the same, you know, the same reputation, the same legacy that is being passed on. So right now we are at an AAP stall here. सर, आप बताएंगे कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं वोट करने या कम लोग आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे इस बार पिछले साल और पिछले इलेक्शन के मुकाबले थोड़ा वोटिंग कम हुआ है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जैसे से और शाम होगी लोग और बाहर आएंगे और वोटिंग करेंगे, और इस बार इस द्वारा फिर दोबारा से वो क्लीन स्वीप, जिसे कहते हैं स्वीपिंग करने की बात करते हैं, हम झाड़ू पे वोट करेंगे और फिर दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी को सरकार में लेकर आएंगे. और इस देश में जो एजुकेशन, मेडिकल और जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और इस सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर दोबारा से एड्रेस करेंगे और इस देश को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, और जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको एक करारा सबक देंगे. छः बजे तो एंड हो जाएगी वोटिंग, तो शाम को ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा लोगों को? नहीं, समय मिलेगा. देखिए, अब जैसे जैसे 6 बजे तक जितने लोग अंडर चले जाएंगे उन लोगों को पूरा अधिकार है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, और हम सबसे गुजारिश करेंगे कि वो आए, बाहर आए, वोट करें, अपनी वोट की कास्ट करें. कुछ पार्टी का ज़्यादा वोटिंग हो रहा है, कुछ पार्टी का कम हो रहा है? नहीं जी, मैं मानता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटिंग आपको लगेगा यस कि लोग कम आए हैं, बट वोटिंग हर कोई चाहता है कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल आए, क्योंकि जो मुद्दे बीजेपी ने या अदर लोगों ने उठाए हैं वो मुद्दे दिल्ली के मुद्दे नहीं हैं, वो मुद्दे एक केंद्र के मुद्दे हो सकते हैं, एक देश के मुद्दे हो सकते हैं, पर देश का, दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, वो जानता है दिल्ली के लिए क्या अच्छा है, दिल्ली के लिए क्या बुरा है, और वो दिल्ली के लिए ही वोट करेगा, केंद्र के लिए नहीं वोटना है. ये वोट केंद्र के लिए नहीं है, ये बीजेपी को भी समझना चाहिए, ये बाकी की पार्टी को भी समझना चाहिए. So as you can see, every party is saying that although the turnout is low, that is not low for their own specific party, and they're all hopeful that their own turnout and their own votes that they will gather will amount to a significant number. This is Surya Daba Mukherjee for Mojo.